हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम इन्वेस्टर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले ओम इंफ्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। इस स्टॉक को कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इसका टारगेट्स क्या हो सकते हैं, इसका फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह 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 सब आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले। तो पूरी वीडियो देखना दोस्तों। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी ढेर सारी जानकारी मैं आपके लिए लेके आते रहूंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते स्क्रीनर से। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनर के ऊपर इसको ओपन कर लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों ओम इंफ्रा लिमिटेड। आप सिर्फ ओम भी सर्च करोगे तो आपको इजीली स्टॉक मिल ही जाएगा। नहीं मिलता है कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली हेल्प कर दूंगा दोस्तों। तो स्टॉक का अगर बात करें मार्केट कैपिटल की, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल है 1184 करोड़ का। अच्छा मार्केट कैपिटल है, स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके हाई की और लो की, तो दोस्तों एक साल में इसने 29.70 पैसे, मतलब कि 30 रुपीज एवरेज पकड़ लो और 150 का इसका हाई पकड़ लो, एवरेज हाई बोल रहा हूं मैं। तो इंटू फाइव, मतलब 5 गुना यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हुआ है, 30 रुपये से लेकर 150 तक। और अभी इसमें काफ़ी यहाँ पे मोमेंट्स आने भी अभी बाकी है, मतलब आगे क्या होगा वो हमें भी प्रेडिक्ट अभी से करना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बना पाएंगे, नहीं तो लॉस ले पाएंगे दोस्तों। तो बात करते अभी इसके ROCE की और ROE की, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, बट इस स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। यहाँ पे ROCE अगर हम देखें तो 5.23% है और ROE है 0.94%। तो दोस्तों यहाँ पे हमें काफ़ी कम नज़र आ रहा है, बट अब आप सोच रहे होंगे कि यार कम क्यों है। तो दोस्तों, कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी तो उसका ROCE और ROE हमेशा कम होता है दोस्तों, एज कम्पेयर टू अदर IT कंपनीज और वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ हमेशा आप अगर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का फंडामेंटल्स देख रहे हो, तो ये चीज़ आप हमेशा लास्ट में रखिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको नहीं देखना चाहिए, बट लास्ट में रखना चाहिए। ओके, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे इसके FII होल्डिंग की और DII होल्डिंग की। तो काफ़ी नेग्लिजिबल है यहाँ पे, नहीं है दोस्तों। उसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 69.1% की यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग्स है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन बोल सकते हैं। उसके बाद में रिजर्व्स काफ़ी ज़रूरी होता है। डेप्ट आ जाए तो मतलब डेप्ट निकालना हो तो कैसे निकाले, तो रिजर्व्स चाहिए कंपनी पास। तो रिजर्व्स है 704 करोड़ के, काफ़ी अच्छे रिजर्व्स है यहाँ पे कंपनी के पास अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो। और डेप्ट है 91.4 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 90 करोड़ का डेप्ट है, और अगर वो पे करना चाहे कंपनी तो रिजर्व्स में से आसानी से पे कर सकती है। ओके, अगर एसेट्स की भी बात करें तो फिर तो रिजर्व्स मतलब ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो रिजर्व्स है 704 करोड़ और डेप्ट है यहाँ पे 91.4 करोड़। ओके, तो ये हो गया कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे। इसके बाद में हम अब बढ़ते इसके सेल्स की तरफ। तो चलिए दोस्तों, बात करते सेल्स की। तो सेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 2008 में 120 हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में बात करें हम यहाँ पे 2014 की, तो 416, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ चुका है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, और अभी हम करंट ईयर की बात करते हैं जो कि है 2024 का अभी तक यहाँ पे नहीं आया। 23 का हम देख सकते हैं, मतलब लास्ट ईयर, मतलब 2 महीने पहले का, तो वो अगर हम देखें तो वो है 799। काफ़ी अच्छी यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे रही है, और आगे भी मुझे लगता है 2024 में भी यहाँ पे 900 के आसपास सेल्स, नहीं तो उसके अबव भी जा सकती है। ओके, तो ये हो गई कुछ इसकी सेल्स के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल्स। हम एकदम डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी ही चलती जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं इसके चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, इस स्टॉक का 1 ईयर का चार्ट यहाँ पे मैंने काइट के ऊपर ओपन कर लिया, पीछे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ कि एक साल पहले इसने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे इसने स्टार्ट किया था दोस्तों ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ से लेकर 40 रुपीज़ की रेंज में, यहाँ पे इसने एक साल पहले स्टार्ट किया था, और यहाँ से इसने जो मोमेंट दी है खतरनाक मोमेंट दिए। अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो वो इसने यहाँ पे बनाया दोस्तों 153 का, मतलब ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज़ भी पकड़ लेते तो आप इंटू 3 हो जाता है। तो यहाँ पे तो इसने 5 गुना यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, मतलब ऑलमोस्ट 500% आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो इतना अच्छा मोमेंट इसने दिखाया है इतने समय में, ये तो अपर सर्किट पे लगते ही जा रहा था। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को एंट्री करने का मौका मिला होगा। तो कभी भी दोस्तों ऐसे कुछ स्मॉल कैप के स्टॉक्स रहते ना, इनका रिसर्च ज़्यादा किया करो, यहाँ पे प्रॉफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, रिस्क भी उतनी ज़्यादा ही रहती है, बट हाँ लक भी बोलता है ना यार, कभी कभी लक भी लग जाता है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे रहती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके करंट सिनारियो की। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो अभी करंट सिनारियो में, तो यहाँ पे इसका जो इसका सपोर्ट है वो ये है दोस्तों। ओके, एक मिनट मैं मार्क कर लेता हूँ सही से, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया मेरे से। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इसका पॉइंट है दोस्तों, ये इसका सपोर्ट जोन है। सेम सपोर्ट जोन में ये स्टॉक यहाँ पे भी अभी मंडरा रहा है। ओके, बट मार्केट की करंट सिचुएशन देख के मुझे ऐसे लगता है कि इस सपोर्ट को ब्रेक करके वो ये वाले सपोर्ट में ना आ जाए। ओके, तो ये वाले सपोर्ट में अगर आ जाता है जो कि है 95 रुपीज़ का, तो काफ़ी अच्छी बात है, अपन को सस्ते में मिल जाएगा। बट मार्केट के ऊपर डिपेंड है, बट मार्केट की करंट VIX की सब सिचुएशंस देखने के बाद ये लगता है कि थोड़ा फॉल अभी आने वाला है अच्छा खासा, तो यार क्यों ना सस्ते में उठाया जाए। बट हाँ, मैं अभी बोल देता हूँ कि कौन से पॉइंट पर कितनी परसेंट एंट्रीज हो सकती है। तो दोस्तों, पहला सपोर्ट कभी भी आप 10-20% 30% मैक्स
रखा करो अपने माइंड में हर स्टॉक के लिए। सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज बाद में आप लोगे तो एवरेज होते जाती है सपोर्ट। और यहाँ पे देख सकते हो 10-20% करने के बाद अगर ये यहाँ पे रिवर्सल देता है तो फिर से हम 10-20% की एंट्रीज कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 40-50% स्टॉक्स हमारे पास हो जाते हैं। बट दोस्तों इनकेस अगर 10% एंट्री करने के बाद वो सेकेंड सपोर्ट पर आ जाता है तो क्या होता है, हमें ओवर सस्ते में यहाँ पे उसमें एंट्री करने का मौका मिल जाता है। तो इस टाइम पे जो सेकेंड सपोर्ट है वहाँ पे 50% की एंट्रीज करते आती है दोस्तों। तो ये हो गए कुछ एंट्री पॉइंट्स, इससे हम अच्छे से सेफ जोन में खेल के सेफ जोन में रह के अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हो गए कुछ इसके एंट्री पॉइंट्स। और अब हम बात करते हैं इसके टारगेट की, क्या ये कहाँ तक जा सकता है। तो टारगेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो 150 अगर इसने एक रेजिस्टेंस बनाया तो उसी को हम टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ओके, हमेशा रेजिस्टेंस जो रहता है वो एक टारगेट टाइप रहता है, मतलब यहाँ से अगर हम एग्जांपल लें कि किसी ने यहाँ पे एंट्री की होंगी 120 के आसपास, ओके, और यहाँ पे इसने 158 को रेजिस्टेंस बनाया है, वहाँ पे उसने सेल किया निकल गया बाहर, फिर से जब उस प्राइस रेंज पे आएगा यहाँ पे इसने एंट्री की, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 120 के आसपास फिर से एंट्री की। क्यों? उसी सेम बंदे ने, क्योंकि उस रेजिस्टेंस पे उसने पहले भी खरीदा, उस सपोर्ट पे उसने पहले भी खरीदा था और प्रॉफिट बनाया था, सेम एंट्री के भाई ने फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। तो अभी वो फिर से एंट्री उस बंदे ने की होंगी, बट ऐसा नहीं कि हर बार सपोर्ट पे आके रेजिस्टेंस पे जाएगा ही। ओके, तो ये एक मतलब चीज़ें रहती है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें चार्ट में लगानी पड़ती है, मैं पूरी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं लगा सकता अभी बिकॉज काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से नीचे जाओ, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।